नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल ऑल इन वन ट्रिक पीके में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपके गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का अगर फ़ोन आता है तो कोई भी रिसीव कर लेता है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट है तो आपका मतलब कॉल, कोई भी कॉल जिस नंबर को आप सेव कर दीजिएगा तो उसका कॉल मतलब आपके फिंगरप्रिंट से ही उठेगा, या अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप पैटर्न लॉक या पिन लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले, तो चलिए पहले हम आपको लाइव कॉल करके दिखा देते हैं कि कैसे आपका मतलब मोबाइल में आएगा। तो चलिए हम अपने दूसरे नंबर से कॉल करके लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने कॉल लगा दिया है और यहाँ पर आपके सामने कॉल आ रही है। देख सकते हैं कॉल बहुत ही आसानी के साथ आ रही है और हम फिंगर जैसे रख रहे हैं ऐसे लॉक खुल जा रहा है, तो ऐसे आपके मोबाइल में हो जाएगा। तो अगर आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये फिंगर आपको दिखाई नहीं दिया होगा लेकिन आपके मोबाइल में ये बहुत सक्सेसफुली काम करेगा। तो चलिए हम अभी इसका पूरा सेटिंग बताते हैं और कौन सा एप्लीकेशन है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको टाइप करना होगा इनकमिंग कॉल लॉक। आप देख सकते हैं इसका लोगो कुछ इस प्रकार से होगा, आपको सिंपली यही वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये आपसे बहुत सारा मतलब दो तीन परमिशन मांगेगा, आप सारे परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। तो जैसे देख सकते हैं पहला प्रोवाइड परमिशन मांग रहा है, तो आप जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो प्रोवाइड परमिशन मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं इसे ऑन करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है इनकमिंग कॉल लॉक, तो इसको ऑन करना होगा। उसके बाद फिर बैक आना होगा, उसके बाद दूसरे नंबर में आपको पैटर्न सेट करने को पड़ेगा। तो पैटर्न या पिन आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ यहाँ पर आप कैसा पैटर्न लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक बार लगाइएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद कन्फर्म, सिंपली वही वाला फिर से डाल के आप कर लीजिएगा। उसके बाद इनेबल लॉक पर क्लिक कर देना है, ये इस पर चकमक लगा होना चाहिए। उसके बाद सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, आप इसे चकमक लगा लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि नाम शो हो या ना हो तो आप वो भी यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं कि किसका कॉल आ रहा है, वो भी यहाँ पर शो हो जाए। और कॉल टाइप लॉक ऑल नंबर पर लगाना चाहते हैं तो ऑल नंबर पर, नहीं तो आप केवल चाहते हैं कि आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नंबर पर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ऑल वाले पर अलाउ इसे करना होगा। अलाउ करने के बाद फिर से आपसे ये सेटिंग मांगेगा। उसके बाद आपको सिंपली कॉल टाइप टू लॉक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस नंबर को सर्च करके लगाना चाहते हैं उस नंबर को लगा लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे वाले में देख सकते हैं सिलेक्ट करने का नंबर आ जाएगा, यहाँ पर उस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा तो सिंपली आ जाएगा, नहीं तो ये गोल गोल नचाते रह जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।